स्वच्छ भारत ग्रामीण भाग दो में पंचायती राज संस्थान का योगदान। स्वच्छ भारत मिशन दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक भारत को श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ बनाना था। इस मिशन का केंद्र बिंदु खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना रहा। अभियान के तहत समाज को और विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ वातावरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी शुरू हुआ, जो धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बना। पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से जमीनी स्तर पर इसने गांवों में जन आंदोलन पैदा कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा कर दिया। इस कार्यक्रम से जुड़े हजारों पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और स्वच्छता योद्धाओं की मेहनत आखिर रंग लाई। परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो वर्ष 2014 में 39% था, वर्ष 2019 तक बढ़कर 100% हो गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि मात्र शौचालय बनवा देना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की कोशिश एक ऐसे भारत के निर्माण की है जो कचरे और गंदगी से मुक्त हो, इसलिए खुले में शौच मुक्त गांवों की श्रेणी में उन ही गांवों को रखा गया है जो खुले में शौच मुक्त स्थिति को स्थायी रूप से बनाए रखने में सक्षम हैं और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 1 की सफलता के बाद स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2 की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत के लोगों और समुदायों की क्षमता का उपयोग स्वच्छता कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अवसर देने के लिए किया जा रहा है। स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान 2 के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय उपलब्ध हो। गांव में व्यवहार परिवर्तन का संचार जारी हो। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। स्वच्छता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार मॉडल का सहारा लिया जाए। यदि गांव में 100 से अधिक घर हों तो वहां एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण करवाया जाए। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन हो। तरल कचरा प्रबंधन के लिए न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावी प्रबंधन हो। गांव में प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने और गीले कचरे से अलग करने की प्रणाली हो। गांव के सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत घरों में दीवार पर चित्रकारी या इश्तहार के जरिए स्वच्छता संदेशों को दर्शाया गया हो। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या जल जमाव ना हो। मार्गदर्शी सिद्धांत। सभी नए परिवारों और पिछले चरण में वंचित रह गए पात्र परिवारों तक स्वच्छता सुविधाएं पहुंचाई जाएं। ऐसे परिवारों की पहचान का काम ग्राम पंचायत का होगा। जो परिवार स्थान की कमी के कारण शौचालय नहीं बनवा पाए या जो लोग अस्थायी आबादी के रूप में जीवन यापन करते हैं, उनके लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाए।
ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के काम को मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेहतर किया जाए। 3 R's का पालन हो, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल शामिल हैं। पंचायत प्रतिनिधि कचरा एकत्रण, पृथक्करण और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करें। ध्यान रहे, हम सभी के सहयोग से ही स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2 के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे तथा एक स्वच्छ, स्वस्थ व समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। चलिए आज ही ये प्रण लें। गांव गांव में स्वच्छ भारत का फूल खिलाएंगे, स्वच्छता के लिए मिलकर कदम बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।